अस्सलाम वालेकुम। संडे का रोज है, पारसीपली में आए हुए हैं, न्यू जर्सी में बोनटन से पारसीपली में, ये मुगल एक्सप्रेस में। आज यहाँ बुफे के लिए हम लोग लाए पूरे दानियाल, इनके नाना नानी मेरे मिसेज बोल रहे हैं, तो ये है कि आज यहाँ बुफे हम चेक खाएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा होता है, यहाँ आते रहते हैं हम लोग। ये बराबर में भी एक हलाल प्लेटर किंग है, तो ये मुगल एक्सप्रेस जो है इसमें हलाल होता है सब, इंडियन और पाकिस्तानी मिक्स खाने होते हैं सारे। लंच और लंच जो है सात दिन यहाँ जो है ये बूफे है, देखेंगे। इंडियन फूड हॉल लिखा हुआ है, यहाँ आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, पेमेंट कर रहे हैं घर वाले।
पानी पूरी रखा, ये क्या है? पाव भाजी, लेमन सूप, ये लेमन सूप है। ये हम लोग ढोकली कहते हैं, इसको ढोकली। ये तंदूरी जो वेजिटेबल है, ये गोभी का है, ये मंचूरियन, दाल दाल मखनी, पुलाव है, वेजिटेबल हक्का लिस्ट है, रेड कड़ी है, रेड कड़ी देखेंगे, चिली, ये चिकन है, शेजवान चिकन फ्राई, ये तंदूरी चिकन है, और ये जो है घोट कड़ी है, और चिकन कोरमा, ये चिकन कोरमा। अच्छा, ये पाया पाया है, ये पाया को भी तो स्वीट डिशेस है, वनीला आइसक्रीम है, ये वनीला आइसक्रीम। अच्छी आइटम है, काफी है माशाल्लाह, मुझे लगा हुआ है बड़ा अच्छा। हमारे विकी भाई हैं, बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत ही, यहाँ मुगल एक्सप्रेस का जो है ना, ये आल ही नाल है समझ लो, बहुत ही इनकी सर्विस जबरदस्त है और इनका बिहेवियर जबरदस्त है, कस्टमर से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। विकी भाई, आपका ये बहुत जबरदस्त खाना है जो है ना, खास करके बुफे जो है, इसका क्या टाइमिंग है, कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट हो जाता है सर 11:30 और क्लोज करते हैं 3 o'clock क्लोज करते हैं सर। क्या क्या आइटम होती है इसमें? यहाँ पे 18+ आइटम्स होते हैं, जिसमें दो चाट है, चार एपेटाइजर्स है, फिर काफी मेंगोस है, फिर साथ में नान ब्रेड, दो डिजर्ट है इसमें, और सूप होता है, सैलेड होता है। अच्छा, और इतने खाली $14 अब $14 के अंदर इतना सारा तो ये अफोर्ड कर लेते हैं, इतना सारा कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग का प्यार है जो आप आते हैं वो तो सही है, मगर वैसे हम जाते हैं अलग अलग डिश का ऑर्डर देते हैं तो मुझसे 200-300 का ऑर्डर बन जाता है, और ये तो इतना सारा जो है आप दे रहे हैं तो ये अफोर्डेबल है। अच्छा, तो आपका हेड ऑफिस मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में शायद ना? एडिसन में। तो यहाँ कोई दावत करें तो कितनी कैपेसिटी हो सकती है? यहाँ पे तो 60 की कैपेसिटी है, वैसे तो 70 की कैपेसिटी है हमारे रेस्टोरेंट की। अच्छा, बुफे सेटअप करते हैं तो 60 की कैपेसिटी हो, तो 60 अफराद की दावत हो तो आप इसको अलाउ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उस दावत के अंदर जो ये बाकी चार्ज तो नहीं करते जैसे यहाँ बैठने का? ये अगर बुफे का है तो आप हमसे 14 लेंगे एक तरह से, यानी 60 अफराद का 14 है। और आप मकसद है कि कोई ऑर्डर आपने एक बार बताया था पिछली बार आए थे कि वो आपके एडिशन वाला जो है सेक्शन करता है, वहाँ कितनी कैपेसिटी बैठने की? वहाँ पे तो थोड़ा हमारा पार्टी हॉल भी है, बड़ी कैपेसिटी तो ज्यादा कैपेसिटी। अच्छा, वहाँ शादी ब्याह की तकरीब कर सकते हैं तरह से? वहाँ उसे बॉलरूम होता है हमारे पास, डाइनिंग रूम है, सब डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट स्पेस। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा इधर दिखाऊँ, अंदर की तरफ दिखाई देता है। ऐसे ही खैरियत से
हाउ आर यू? कितना इनका एक्सपीरियंस है, क्या नाम है? डॉगी शेफ है इनका नाम। हाँ, इनका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 15 to 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यू आर चाइनीज? नहीं, इंडियन। इंडियन। तो उर्दू समझते हो? हाँ जी। तो क्या क्या बना लेते हो आप? सब बना लेते हैं, चाइनीज। अच्छा अच्छा, ये जो खास करके जो चिकन और ये मीट वगैरह जो है, ये वैसे हलाल सा रहेगा? हलाल, पूरा हलाल। वेरी गुड। तो आपको कितना एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने का? 20 साल से। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ की फूड इतना जबरदस्त है और विकी भाई का प्यार इतना है, जबरदस्त। विकी भाई जो है इतना अच्छा इंसान है कि हमेशा हम लोग यही दावत में आते हैं। आज तो कुछ कम लोग हैं हम लोग, वरना तो मेरे मसद डॉटर, मेरा सन इन ला, मेरी सिस्टर, मेरे मसद के फादर इन ला, मदर इन ला, सिस्टर इन ला, उनकी फैमिली पूरे काफी की तादाद में, 20-25 की तादाद में आ जाते हैं। जितना अच्छा करते हैं काम, वैसे आपका खाना बड़ा जबरदस्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विकी भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। શું નામ? તમારી સર્વિસ અહીંયાની બહુ બહેતરીન છે અને ફૂડ બી બહુ બહેતરીન છે। આપણા ઇન્ડિયન અને પાકિસ્તાની જેટલા બી અહીંયા રહીએ છે, પારસીબીમાં, ભૂષણમાં, બધા અહીંયા જ આવે છે અને અમે બી પૂરી ફેમિલી, બરાદરીલા, મારી સિસ્ટરલા, એની ફેમિલી। તો આ લંચ નો શું શું ટાઈમ છે અહીંયા? 12:30 કેટલી આઈટમો છે? કેટલી ડિશીઝ છે અહીંયા? હા બિલકુલ। તો ખાલી લંચ નો હી અહીંયા બુફે છે? અહીંયા બહુ ડિનર નો નથી? ડિનર નો ચલો। થેન્ક યુ ને, તમે એક વાર પછી તમને મુબારક કે બહુ બહેતરીન તમારી ફૂડ છે અહીંયા, બહુ જબરદસ્ત ફેમિલી જેવો માહોલ છે અહીંયા। થેન્ક યુ। Okay।